स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान की रोशनी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न और उत्तर जो आपको जानना चाहिए। तो आपसे छोटा सा विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कौन सा शहर सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी पटना, सी लखनऊ और डी इलाहाबाद। और सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। आपका अगला सवाल सवाल नंबर दो, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स बैबेज ने, बी राइट ब्रदर्स ने, सी ग्राहम बेल ने और डी न्यूटन ने। और सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स ने। आपका अगला सवाल है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी रूस, सी अमेरिका और डी भारत। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत। आपका अगला सवाल सवाल नंबर चार, किस जीव के मुंह में 14,000 दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए जिराफ के, बी मगरमच्छ के, सी व्हेल मछली के और डी डायनासोर के। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्हेल मछली के। आपका अगला सवाल सवाल नंबर पांच, तिरंगे झंडे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी इंदिरा गांधी और डी भीमराव अंबेडकर। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी पांच आंखें होती है? आपका ऑप्शन है ए मच्छर के, बी चींटी के, सी ऑक्टोपस के और डी मधुमक्खी के। और सही जवाब है ऑप्शन डी मधुमक्खी के। अगला सवाल सवाल नंबर सात, भारत में सबसे पहले सूरज कहां पर निकलता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में और डी अरुणाचल प्रदेश में। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल सवाल नंबर आठ, टिबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए हाथ में, बी कंधों में, सी टांग में और डी खोपड़ी में। और सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टांग में। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य के लोग सांप के तेल में सब्जी बनाते हैं? आपका ऑप्शन है ए नागालैंड में, बी गुजरात में, सी केरल में और डी सिक्किम में। और सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागालैंड में। अगला सवाल सवाल नंबर दस, हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए गुरु रामदास, बी महाराजा प्रताप सिंह, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी ब्रिटिश सरकार। और सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह। दोस्तों हम 10 प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 11, जोधा बाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी औरंगजेब। और सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। अगला सवाल सवाल नंबर 12, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर आजम, बी सिकंदर लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। अगला सवाल सवाल नंबर 13, भारत के कौन से राष्ट्रपति बचपन में अखबार बेचते थे? आपका ऑप्शन है ए रामनाथ कोविंद, बी प्रणब मुखर्जी,
सी डॉक्टर अब्दुल कलाम और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर अब्दुल कलाम। अगला सवाल, सवाल नंबर 14। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए सूखा रोग, बी रतौंधी, सी बेरी बेरी और डी कैंसर। और सही जवाब है ऑप्शन सी वेरी वेरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। निम्न में से किस जीव के पास 3 दिल होता है? आपका ऑप्शन है ए खरगोश के, बी ऑक्टोपस के, सी चूहा के और डी शुतुरमुर्ग के। और सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्टोपस के। आपका अगला सवाल है, आम के अंदर कितना प्रतिशत पानी होता है? आपका ऑप्शन है ए 50%, बी 70%, सी 83% और डी 95%। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी 83%। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 17। भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर से शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु से, बी मुंबई से, सी दिल्ली से और डी कोलकाता से। और सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु से। आपका अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी में, बी गोरखपुर में, सी प्रयागराज में और डी खड़गपुर में। और सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोरखपुर में। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 20, मनुष्य के दिल का वजन कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 150 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 310 ग्राम और डी 450 ग्राम। दोस्तों, आपसे छोटा सा विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी 310 ग्राम। अगला सवाल आपके लिए है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।